हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज है थर्सडे। आज पता क्या हुआ, शाम का टाइम है और मुझे ना बर्गर खाने का बहुत मन हो रहा था, मैं कह लूँ टिक्की। बट पता नहीं क्या हो गया, काफ़ी टाइम से ना मुझे बाहर का खाना इतना पसंद नहीं आ रहा है। मतलब मैं अवॉइड कर रही हूँ थोड़ा बाहर का जंक, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में जो सामान है उसी से मैं अपने लिए बर्गर बना लूँ। तो मेरे पास वैसे तो सारा सामान है, बस मैं कह लूँ टिक्की ही नहीं है। तो उसकी जगह मैंने सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया है। उसकी जगह मेरे पास हैं नगेट्स, हैं वेज नगेट्स मकेन के। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ मेरे पास क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसके लिए, बर्गर के लिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए बर्गर बन, बर्गर के लिए जो कि मेरे पास अवेलेबल था। उसके बाद मैंने मेयोनीज़ और केचप को बराबर क्वांटिटी में मिला के उसका पेस्ट बना लिया है, जो कि हमें इस पर स्प्रेड करना है ब्रेड स्लाइस पर। और उसके बाद मैंने लिए हैं कुछ वेजीज, टमाटो, अनियन एंड कैबेज। और मैंने लिए हैं वेज नगेट्स जिनको मैंने फ्राई करके रख लिया है। और ये हैं चीज़ स्लाइसेस जो कि आपको आपकी मर्ज़ी, आप लगाना चाहें तो लगाएं। और उसके बाद हमें ब्रेड को दो स्लाइसेस में कट कर लेना है। और उसके बाद मैंने जो पेस्ट बनाया है उसको अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी दोनों स्लाइसेस पर। और उसके बाद अब लगाएंगे वेजीज अपने बर्गर बन के ऊपर। तो पहले मैंने कैबेज और उसके बाद नगेट्स और उसके बाद जो भी अनियन टमाटो कट करके रखा है वो उसके ऊपर सेट कर देंगे। और उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे एक चीज़ स्लाइस और लास्ट में लगाएंगे कैबेज का लास्ट जो लीफ है वो उसके ऊपर कवर करके अब बर्गर बन को ढक देंगे। और ये रेडी हो गया हमारा होममेड वेज बर्गर, और मैं तो इसे एंजॉय करने वाली हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।